हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। सो आज हम करने वाले हैं पिकअप पाइल रीडिंग, जिसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, व्हाट दे थिंक्स अबाउट यू एंड व्हाट दे एक्चुअली फील्स अबाउट यू। हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, सो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ बातें आपसे रेजोनेट बिल्कुल ना करें। सो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको अपने पास रखिएगा, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं समझ लीजिएगा कि वो किसी और के लिए है मैसेज। एंड ऑल्सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको ऐसी ही और न्यू यू नो और क्विक रीडिंग्स आपको मिलती रहें, और आप उन रीडिंग्स को यू नो देखें और आपके जो क्लियर्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। सो यहाँ पर दो पाइल हैं आज की इस रीडिंग के लिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास ये वाइट क्रीमिश सा स्टोन है, इसके अंदर हल्का सा ग्रीन टच आ रहा है। एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस ब्लैक स्टोन। सो आपको दोनों में से जो भी स्टोन अच्छा लग रहा है दैट विल बी योर पाइल। सो आपको क्या करना है, इस रीडिंग को देखते टाइम अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड जस्ट चूज़ योर पाइल। सो येस, लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हमें क्या आंसर्स मिलते हैं, क्या गाइडेंस मिलती है। सो 9 ऑफ कप्स, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। यस, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। क्यों? क्योंकि ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये मेरे लिए हमेशा अबंडेंस की यू नो एनर्जी लगती है मुझे। आप इसके अंदर भी कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक खजाने, एक ट्रेजर है, जिसमें से यू नो एक व्यक्ति है जो कि यू नो कप्स को लेकर बहुत फुलफिलमेंट सी फील कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे सन कार्ड की जो फीलिंग्स है वो आती हैं। सो अगर आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में एक स्पार्क जो होता है वो नहीं था, कम सा हो रहा था या ऑलरेडी था भी, तो आपका जो प्यार है आपस में उसके अंदर अबंडेंस आने वाली है, आप लोगों का प्यार ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। एंड ऑल्सो यू नो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पार्टनर आपके लिए यहाँ पर एक स्टेप फॉरवर्ड कर ले सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आप कहीं वेकेशंस पे जा सकते हो, मतलब वो आपके साथ जो है यू नो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे लाइक टू यू नो हैव कॉन्वर्जेशन ऑन कॉल्स मैसेजेस एंड दे वॉन्ट टू सी यू, वो आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में सुनना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर एक यू नो परफेक्ट पार्टनर वाली जो फीलिंग होती है मुझे वो दिख रही है। सो येस, अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग गाइस। सो येस, ये कुछ था आपकी आज की इस रीडिंग के बारे में। अगर आप ऐसी ही क्विक रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो येस, आप बात करते हैं, सो जिन्होंने भी ब्लैक स्टोन को चूज़ किया है उनके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। येस, सो यू नो मे बी ये जो पाइल थी आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, राइट। सो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है उनके लिए मेरे को जो यू नो सबसे पहले मैसेज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके लव एंड रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर यहाँ पर किसी के पेरेंट्स आपकी शादी को लेकर नहीं मान रहे थे, आपके रिश्ते से यू नो हैप्पी नहीं थे, सो वो मान सकते हैं, मानने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। एंड ऑल्सो अगर आपका जो रिलेशनशिप था, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, सो दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन वेरी सून, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर यू नो आपकी लव लाइफ में एक पैशन क्रिएट होगा, एक स्पार्क क्रिएट होगा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग आई है ये, और एक स्पार्क है इस रीडिंग में। सो येस, मेरे को पर्सनली आज की रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों ही पाइल बहुत पॉजिटिव थी और बहुत अच्छे मैसेजेस उनको दिए। लेकिन आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो मिलने वाली है, एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट गुड न्यूज़ एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपके पार्टनर यू नो एक पैशन चाहते हैं आपसे एक रिलेशनशिप में। और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे एकदम से जस्ट चैलेंज हुई, वो ये थी कि आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप अपने रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा मैसेज, बट जिनके लिए भी है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए था ये मैसेज। आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए यू नो
आपसे बोलते हैं कि आप रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, सो आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मस्ट, कम्युनिकेशन इज़ वेरी मस्ट, आपको कम्युनिकेट करना होगा उनसे, यू नो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटिफुल हो और आप अपने रिलेशनशिप को यू नो एक अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, उसको ब्यूटिफुल बना सकें. सो यस, ये कुछ था आपके लिए पाइल नंबर 2 आज की इस रीडिंग में. अगर आपको मेरी आज की रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आपको भी ऐसी ही और न्यू वीडियोज़ देखने को मिले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.